हेलो एवरीवन एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में विद हर्ष पारिक। और जैसे कि जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, मेरे चैनल पे काफी अलग अलग सीरीज चलती है, जैसे फूड सीरीज, ट्रैवल सीरीज, फिर ब्लॉग्स। वैसे ही मैं एक नई सीरीज लेके आया हूँ, मोटर ब्लॉग्स, जिसके अंदर मैं आप सबको मोटर बाइक्स और गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा, हम रोड ट्रिप करेंगे और अलग अलग दूसरी बाइक्स पे दिखाऊंगा। तो इसी के साथ एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर है हमारे पास KTM 125 और इसका मैं आपको फुल डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो आप अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये है KTM Duke 125 जो कि मैंने अभी लिया ऑन 20th March। तो अप्रैल के बाद इसके प्राइस चेंज हुआ है, तो वो प्राइस में मैं बताऊंगा कि क्या प्राइस है, नई प्राइस, और क्या प्राइस में मैंने खरीदी थी ये बाइक। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं इसकी लुक्स के बारे में। तो जैसे कि लुक्स आपको पता चलता है ये है ऑरेंज एंड वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक देता है। अगर आप जब रोड पर आओगे ये बाइक लेके, तो ये बाइक एक स्टैंड आउट होती है दूसरे सब बाइक से, बिकॉज इतना यूनिक कलर आपको दूसरी कोई बाइक में नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको दूसरा कलर ऑप्शन आता है जो कि है वाइट और ब्लैक कलर का, तो जिसमें आपको ये जो इसकी टैंक है यू विल गेट दैट इन ब्लैक कलर और यहाँ पर है वाइट कलर में। सो अभी मैं आपको इसकी दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो ये फ्रंट में आपको मिलेगा इसमें हेलोजन लाइट्स इन 125, तो यहाँ पर हेलोजन के साथ डे लाइट रनिंग लाइट मिलेगा, तो ये वाइट कलर में। लेकिन ये लाइट का कैसा है कि व्हेन यू विल टर्न दी बाइक ऑन तो फुल टाइम हेलोजन लाइट इसकी चालू रहेगी, तो उसके वजह से इसकी वाइट लाइट जो है वो कहीं पर बंद हो जाएगी। इसको मैं न्यूट्रल पर डाल देता हूँ। अभी यहाँ पर इसकी हेलोजन लाइट चालू होगी, तो ये जो वाइट लाइट है वो इसमें कहीं ढक जाती है। फिर इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो यहाँ पर है, इसमें MRF के जो टायर्स है, MRF के टायर इसमें यूज़ करे गए और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का टायर है, MRF रिब्स REVZ ये इसका टायर यूज़ किया गया। इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। पीछे का टायर भी काफ़ी अच्छा वाइड है जो आपको कॉर्नरिंग के वक्त काफ़ी हेल्प करेगा, और इसकी भी स्पेसिफिकेशन आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और फिर अभी आगे की दूसरी बात करते हैं हम, कि यहाँ पर आपको मिलते हैं ये WP के सस्पेंशन, ये है इन्वर्टेड सस्पेंशन। तो इसमें ये चीज़ क्या है कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशन यहाँ पर मिल रहे हैं ये WP के, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करा गया है। सो यहाँ पर आप फ्रंट में देखोगे कि यहाँ पर ये एक ब्लैक, इसमें आगे से जो लुक आता है तो बॉडी साइड बॉडी से यहाँ पर एक ऐसा नेकेड लुक आ रहा है। तो ये हुआ इसका फ्रंट प्रोफाइल। इसमें जो सिग्नल लाइट्स है, टर्न इंडिकेटर्स है, वो सब LED यूज़ करे गए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी बोल्ड लुक आता है इसका LED, और काफ़ी ब्राइट LED लाइट है ये। और फिर हम साइड प्रोफाइल की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर साइड प्रोफाइल की बात करें, आपको मिलता है यहाँ पर रेडिएटर, जो कि ये 125cc की बाइक है, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ 125cc की बाइक में रेडिएटर आता है, बिकॉज ये बाइक सिर्फ नाम के लिए 125 है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 14.2 का इसका PS का पावर है, इंजन स्पेसिफिकेशन भी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन इसमें मिलता है अपने को रेडिएटर। यहाँ पर जो इसकी चेसी है, तो ये चेसी की वजह से इसको जो लुक मिलती है वो काफ़ी एक अब डिफरेंट इन द मार्केट है ये लुक। तो चेसी की वजह से ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन की चेसी मिलती है यहाँ पर, जो बहुत स्टैंड आउट करती है मार्केट में ये, और इसकी वजह से ही इसके जो मेन लुक है वो दिखती है, जो नेकेड लुक है बाइक का। और यहाँ पर ये है KTM 125 की बैजिंग, और साइड में आपको मिलेगा ये सीट। इसकी जो सीट हाइट है वो थोड़ी ऊपर है, तो राइडर्स विच हुज हाइट इज़ बिलो 5'10" तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ऐसे आप चला सकोगे, लेकिन जब बाइक आपको पीछे लेना रहेगा तब आपको प्रॉब्लम फेस होगा। इसलिए आई रिकमेंड दैट राइडर्स हुआ 5'10" तो दे प्रीफर दिस बाइक। फिर यहाँ पर जो साइड में ये सारी गार्ड ये आपको यहाँ पर मिलता है, और ये जो है पीछे रियर पिलियन राइडर्स के लेग सपोर्ट के लिए यहाँ पर है, लेग रेस्ट, फुट रेस्ट।
और यहाँ पर ये मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है खड्डे में। तो वेन एवर द पॉट होल कम्स, आपको थोड़ा भी जर्क नहीं फील होगा और अच्छे से ये सस्पेंशन वर्क करेगा। सो ये था साइड प्रोफाइल बाइक का। अब हम पीछे की ओर बढ़ते ही थे, आप पर देख सकते हैं यहाँ पर ये गार्ड प्रोवाइड करा गया है, मड गार्ड। तो ये बारिश में काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है, और आप अगर मॉनसून सीज़न नहीं है तो आप इसको निकाल भी सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर वापस टर्न इंडिकेटर LED दिया गया है, बैक लाइट LED दी गई है, टेल लाइट हमें। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसकी ग्रैब रेल्स की बात करें, तो ग्रैब रेल्स भी काफ़ी अच्छे बड़े प्रोवाइड करे गए। तो जो पिलियन राइडर है उसको एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है बैठते वक्त, और पिलियन राइडर के लिए भी सीट काफ़ी अच्छी बड़ी प्रोवाइड करी गई है। और इन KTM 125 आपको यहाँ पर ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, आपको 200-250 में यहाँ पर ग्राफिक्स दिखेंगे, इसमें ग्राफिक्स नहीं प्रोवाइड करा गया है। और यहाँ पर नीचे KTM का ग्राफिक्स दिया गया है, वो काफ़ी अच्छा लगता है ऑरेंज कलर में जो दिया गया है। और फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पर ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक ओपन स्पेस मिल जाएगा। और इसका एग्जॉस्ट नोट भी मैं आपको आगे सुनाऊँगा। और जैसे कि ये है पिलियन राइडर को फुट रेस्ट है यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो इसकी सीट्स है वो एक थोड़ी सॉफ्ट भी है, थोड़ी हार्ड भी है। तो मुझे तो पर्सनली मैं कहूँ तो 40-50 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा वो एक इट्स पेन इन द एस आई कैन से, लेकिन उसको भी एक्सेसरीज से आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसके ऊपर सीट एक्सेसरीज यू कैन पुट। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट वी हैव डन विद द टॉक्स ऑफ द प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल। अब हम बात करेंगे इसकी स्पीडोमीटर जो गेज है इसकी, तो ये डिजिटल गेज प्रोवाइड करा जाता है यहाँ पर। हियर यू कैन सी गियर है, जैसे कि देखो यहाँ पर शेड आया तो लाइट ऑटोमेटिक चालू होगी। तो ये गियर है प्रोवाइड करी गई यहाँ पर। ये है RPM दिया गया है। फिर यहाँ पर स्पीड दिखाता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा। फिर ये साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह। तो अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में है और आपने साइड स्टैंड ऊपर नहीं किया तो फिर आपकी बाइक नहीं चालू होगी। यहाँ पर जो है वो हीट दिया गया है, फ्यूल दिया गया है, अलग अलग टाइप के इसमें जो यहाँ पर जैसे ABS इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अगर बाइक में कुछ फॉल्ट रहा वो दिखाएगा। फिर यहाँ पर न्यूट्रल का इंडिकेटर दिया गया है, और ये रोड मोड है यहाँ पे, यू डोंट गेट एनी अदर मोड। और यहाँ पर एक हिडन स्विच रहता है, वो भी इसमें नहीं दिया गया है, वो ABS ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, जो कि दूसरे आपको KTM में मिल जाएगा ये सिर्फ। टॉक अबाउट दी इंजन, यहाँ पर आपको मिलता है 125 cc का इंजन, और जो कि इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। और इसका एग्जॉस्ट भी यहाँ पर ही अंदर है, और इंजन काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाया गया है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक ओपन जगह मिलती है। तो BS6 है, इसके वजह से यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर ही दिया गया है। बाकी पहले जो इंजन का एग्जॉस्ट का पाइप आता था वो अंदर से आता था, बट ये जो KTM ड्यूक 125 BS6 मॉडल है इसके लिए यहाँ पर थोड़ा एग्जॉस्ट में चेंज करा गया। और आपको एग्जॉस्ट नोट जो KTM की जो एक नोट थी, जो सिग्नेचर नोट बोलते हैं एग्जॉस्ट, वो इसमें BS6 मॉडल में आपको नहीं मिलेगी। आपको एग्जॉस्ट भी इसका सुनाता हूँ मैं। तो ये थी इसकी एग्जॉस्ट नोट, तो काफ़ी ऐसी डिसेंट है, ये अच्छी है। इसी के साथ ये बाइक एक बहुत ही अच्छा लुक देती है जब ये रोड पे आप चलाओगे इसको, तो ये बिल्कुल एक हेड टर्नर है, लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे बाइक को। और एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है एक स्पोर्ट्स सेगमेंट में, तो जो किड्स है दे वांट टू लाइक कॉलेज में जा रहे हैं, उनको बाइक चाहिए, दे वांट अफोर्डेबल स्पोर्ट्स बाइक, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस KTM 125 ड्यूक। और इसका एक डिसएडवांटेज है जो मुझे बहुत संभालना पड़ता है जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, तब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम है। तो जब आप अकेले चलाओगे तभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जब पिलियन राइडर होगा साथ में तो हर एक स्पीड ब्रेक पे आपको, स्पीड ब्रेकर जो रहता है, हर एक बम्स पे आपको काफ़ी संभालना रहेगा, क्योंकि ये टच हो जाता है नीचे बाइक। तो ये एक मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा। बाकी इन द राइड क्वालिटी इट्स गुड, डिसेंट, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। सिटी राइड के लिए इट्स वेरी गुड बाइक, यू विल गेट द एवरेज ऑफ अराउंड 40
40-45 जो मैंने चलाई है, मैंने देखी है। एक बार हम इसका एवरेज टेस्ट भी कर देंगे, इसकी क्या माइलेज मिलती है हमें।